मोदी फोबिया के राजनीतिक रोग से पीड़ित हैं, वो काले और गोरे जादुओं के जरिए जो है वो उनको जो है वो परास्त करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जो कि असफल होंगे। आज जो है वो देश में एक तो स्थिति हो गई है कि बिना वैकेंसी के जो है वो आज जो है वो विलाप चल रहा है, और विपक्ष में तो लगभग जो है वो 2-3 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हर आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कहता है कि जी मोदी जी को हटाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो पहले तो ये तय करें कि वैकेंसी कहाँ है। अब बिना वैकेंसी के विलाप तो होगा तो हश्र क्या होगा आपको अच्छी तरह मालूम है। बिहार में गठबंधन टूटा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे तो अफसोस है, वो बड़े पुराने साथी थे, वो जो मंगल राज था उस मंगल राज से जंगल राज में बहरा पड़े हैं, और मंगल राज के एक बहुत सुशासन के प्रतीक बन गए थे, बीजेपी के साथ थे, तो अब वो जो है वो कुशासन के प्रतीक के रूप में बिहार के लोगों ने देखा। तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल करके पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही, मुद्दे को असली मुद्दे को छुपा रही, इसके बारे में क्या कहना चाहते? देखो ईडी सीबीआई ये सब चीज़ें वही लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं, इसी तरह का जो है वो बातें करते हैं जिनके पास जो है वो तर्कों और की कंगाली होती है। इस तरह से तर्कों की कंगाली कुतर्कों का मवाली बना देती है, इसलिए जो है वो आज उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। और एक बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये जो काला जादू, पीला जादू, गोरा जादू, इसके ज़रिए जो है वो देश के सुशासन को नुकसान न पहुंचा पाए हैं न पहुंचा पाएंगे, और इस काले जादू और गोरे जादू के ये जो मंत्र है उसको जनता छू मंत्र कर देगी। नबी जी 15 अगस्त है, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? 15 अगस्त पर जनता के लिए क्या मैसेज? देखिए हर 15 अगस्त अपने आप में बहुत ही हर देशवासियों के लिए जो है गर्व का विषय होता है, लेकिन ये 15 अगस्त हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त है, और हम मानते हैं कि हमारे देश ने जो अपने 75 वर्षों के सफल सफर को तय किया है उसमें देश के हर समाज के व्यक्ति का हमारे महानायकों का, महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम नतमस्तक होकर के उनके योगदान को भी सलाम करते हैं और देश की शानदार जनता के संकल्प को भी सलाम। तो मोदी फोबिया के राजनीतिक रोग से पीड़ित हैं, वो काले और गोरे जादुओं के जरिए जो है वो उनको जो है वो परास्त करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जो कि असफल होंगे। आज जो है वो देश में एक तो स्थिति हो गई है कि बिना वैकेंसी के जो है वो आज जो है वो विलाप चल रहा है, और विपक्ष में तो लगभग जो है वो 2-3 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। हर आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और कहता है कि जी मोदी जी को हटाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो पहले तो ये तय करें कि वैकेंसी कहाँ है। अब बिना वैकेंसी के विलाप होगा तो हश्र क्या होगा आपको अच्छी तरह मालूम है। बिहार में गठबंधन टूटा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे तो अफसोस है, वो बड़े पुराने साथी थे, वो जो मंगल राज था उस मंगल राज से जंगल राज में बहरा पड़े हैं, और मंगल राज के एक बहुत सुशासन के प्रतीक बन गए थे, बीजेपी के साथ थे, तो अब वो जो है वो कुशासन के प्रतीक के रूप में बिहार के लोगों ने देखा। तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल करके पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही, मुद्दे को असली मुद्दे को छुपा रही, इसके बारे में क्या कहना चाहते? देखो ईडी सीबीआई ये सब चीज़ें वही लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं, इसी तरह का जो है वो बातें करते हैं जिनके पास जो है वो तर्कों और की कंगाली होती है, इस तरह से तर्कों की कंगाली कुतर्कों का मवाली बना देती है, इसलिए जो है वो आज उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। और एक बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये जो काला जादू, पीला जादू, गोरा जादू, इसके ज़रिए जो है वो देश के सुशासन को नुकसान न पहुंचा पाए हैं न पहुंचा पाएंगे, और इस काले जादू और गोरे जादू के ये जो मंत्र है उसको जनता छू मंत्र कर देगी। नबी जी 15 अगस्त है, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
15 अगस्त पे जनता की नहीं, क्या मैसेज? देखिए, हर 15 अगस्त अपने आप में बहुत ही हर देशवासियों के लिए जो है गर्व का विषय होता है, लेकिन ये 15 अगस्त हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त है और हम मानते हैं कि हमारे देश ने जो अपने 75 वर्षों के सफल सफर को तय किया है, उसमें देश के हर समाज के व्यक्ति का, हर व्यक्ति का, हमारे महानायकों का, महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम नतमस्तक होकर के उनके योगदान को भी सलाम करते हैं और देश की शानदार जनता के संकल्प को भी सलाम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।